सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी जो है ना, मतलब जैसे मैं घर पे आया हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। सो मॉम एंड मीतू आर ऑफ टू मार्केट, और वो मार्केट जाने का सबको रीज़न पता कि क्या क्या रीज़न है, क्योंकि हमें ट्रिप पे जाना है और उसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है। ऑब्वियसली आफ्टरनून में टाइम नहीं मिलता है, आफ्टरनून में आप बाहर नहीं जा सकते, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, तो इवनिंग में जाने का बनता है। तो दे कन्फर्म ही कि हो सकता है कि हम लोग नहीं मिले, तो वैसा ही हुआ, वो लोग नहीं मिले और हमें भैया अकेले बिल्कुल एकदम। और एक और कैच हुआ है, ताज़ा कैच है, बाहर चल के बताता हूँ आप लोगों को। ब्रूनो ब्रूनो, कहाँ हो तुम? कहीं दिख नहीं रहे हो भैया, कहाँ चले गए? इनकी भी सेटलमेंट यार कभी तो होएगी। ट्रिप पे जाने से पहले ना, यू ऑलवेज शुड हैव अ बैकअप फॉर एवरी डैम थिंग। ऑब्वियसली GoPro का बैकअप तो मेरे पास फ़ोन ही है सिर्फ, तो उससे कर सकते हैं, लेकिन माइक ने दे दिया भैया धोखा। माइक हो गया ख़राब, और मतलब माइक ऐसा नहीं खराब है, लेकिन उसकी TRS केबल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो मुझे समझ में आया। और मेरे पास बैटरीज हैं 3, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, तो वहाँ पे कम से कम बैटरीज एडिशनल होनी चाहिए। सो वो बैटरीज का भी मुझे इंतज़ाम करना है। आज मैं ऑफ़िस गया था, लेकिन जिमी डिड नॉट कम टू ऑफ़िस। जिमी नहीं आ पाया ऑफ़िस, क्योंकि उसको जो उसके हाथ में चोट लगा ना, उसका लास्ट बैंडेज था आज, तो बैंडेज करा रहा है। बैंडेज करा के मैंने बोला कि रेस्ट करो, कोई बात नहीं, तो ही वॉज ऑन रेस्ट टूडे, वो नहीं आया। लेकिन डिस्कशन हुआ है मेरा, तो बैटरीज लेनी है और एक चार्जर लेना है और एक माइक लेना है। तो इस बार जो माइक लेंगे ना, वो रोड का माइक लेंगे, विच इज़ दी बेस्ट माइक अवेलेबल इन दी मार्केट। अभी मैं बोया का माइक यूज़ करता हूँ, लेकिन वही देखा ना मैंने, बोया का माइक यूज़ करा ना, तो इतनी जल्दी ख़राब हो गया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा। माइक हो सकता है ठीक हो, लेकिन उसका जब TRS केबल ही ख़राब हो गया, तो माइक मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी क्योंकि ये लोग तो नहीं है, तो मैं चाय बना लेता हूँ। दो पुष्पा आई थी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोला कि तुम अभी किसी और घर पर काम कर लो, और जैसे ही वो लोग आएंगे तब आ जाना। मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो एटलीस्ट वो लोग होंगे तो सही गाइड कर पाएंगे। तो पुष्पा आएगी थोड़ी देर में, तब तक चाय पीते हैं, मतलब चाय की बहुत क्रेविंग हो रही है। तो ठीक है, चाय रख दी है, जब तक ये बनती है तब तक बातें करता हूँ आपसे। क्योंकि चाय बनने में सबसे बड़ा लफड़ा ही है ना, मतलब चाय बन रही है, दूध उबल रहा हो, अगर आप पास में खड़े हो तो ये कुछ नहीं हुआ, जैसे ही आप दूर हुए ना, वाह बाहर आया था दूध और चाय, तो इसलिए बार बार जाके देखना पड़ रहा है, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और वैसे घर पे कोई नहीं है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, तो यार मैं अकेले ही बोलूँगा, क्योंकि वो लोग तो मार्केट में हैं, और मैं ही आपको अपडेट दे रहा हूँ सारे कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। 9 days are left, उसके बाद ना अलग होगा कुछ, उसके बाद कुछ बहुत अलग होगा, डिफरेंट होगा, फॉर गुड लॉन्ग डेज। बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारी जगह आप लोग ट्रैवल करोगे। कोई आया है, देखते हैं कौन है। तो भैया कपड़े वाले आए थे, धोबी भैया हमारे राकेश, कपड़े देने के लिए। और यार पेटीएम ही नहीं यूज़ करते हैं, मतलब आज के टाइम में यार, मतलब चिल्लर कौन रखता है? मतलब मेरे पास तो, मतलब हो सकता है सबके पास छुट्टा होता हो, मेरे पास नहीं होता यार। अब ये छुट्टा मांगता है 67 रुपीज़। अब कहाँ से लाऊँ 67 रुपीज़? मैंने कहा भैया पेटीएम चलाओ, उसके बाद लेके जाना, या जब इकट्ठे हो जाएंगे 1000-2000 रुपये तब लेके जाना। मतलब वो लेके जाएगा, देखते हैं क्या रहा है, कि भैया फिर इकट्ठा करके दे देना तभी देंगे। मतलब 1000-2000 तो नहीं, लेकिन मतलब 300-400 रुपये हो जाए तो ले जाओ यार, मतलब दैट वुड मेक सेंस। लेकिन यार ये छोटा छोटा तो नहीं दिया जाता ना, कहाँ से ले गया मैं? मुझे जब मैं बाजार में ट्रांजेक्शन ही ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मैं छुट्टा कोई दे ही नहीं रहा भाई, छुट्टा ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दूँ? चाय बनने पता नहीं कितना टाइम क्यों लग रहा है यार। तो चलो भैया चाय लेके, चाय का लुत्फ लेते हैं और आपसे बालकनी में बैठ के बातें करते हैं। सूरज ढल चुका है ना, मेरा फेवरेट पार्ट, गोल्डन आवर्स, बेस्ट है। वो लोग, पुष्पा तो आ गई है, मतलब पुष्पा आ गई है, पुष्पा अब कुछ काम करेगी, मतलब देखते क्या बनाएगी। मीतू से शायद बात हुई है, दे आर अबाउट टू रीच। पुष्पा कहाँ पहुँचे हैं ये लोग, बात हुई है तुम्हारी?
आ रहे हैं भैया, मुझे आवाज भी आ रही है थोड़ी थोड़ी ना, देखें आ तो नहीं कहीं। तो भैया फाइनली ये लोग आ गए वापस, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, ये दोनों ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इनसे जरा पूछते हैं खूबसूरती है क्या राज है, मतलब मुझे तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट से लग रहे हैं। ये देखो जरा, मम्मी आ तो आपके चेहरे पे निखार ही कुछ अलग है। हम तो चेहरे पे कुछ करवाया ही नहीं, कुछ नहीं, मम्मी ने कहाँ कराया कुछ। तो फिर ऐसे अलग अलग से क्यों लग रहा है, किसी ने भी नहीं कराया, मैंने भी नहीं कराया, कुछ अलग सा लग रहा है कुछ। मैंने ट्रिम करवाए हैं बाल, बस आपको ट्रिम करवाए हैं ये। अच्छा ये देख, थोड़े से छोटे कर, बाल थोड़े से ट्रिम करवाए, नीचे से काफी रफ हो गए थे इसलिए। ओके, बस यही था और कुछ नहीं करवाया। मम्मी के भी कुछ बाल कटिंग लग रही है मुझे थोड़ी सी, हेयर कट। मम्मी के तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही अच्छे बाल हैं थोड़े से, देखें जरा। देखो ओ, ये तो घूमे घूमे से लग रहे हैं, घूमे घूमे तो आए हैं हमारे। मैं भाई लोग स्पेशल करा के आए भैया कुछ। देखा ये होती है ट्रिप की तैयारी, और हमें देखो भाई साहब, मूंछ भी ऐसी, दाढ़ी भी ऐसी, टोपी भी वही, बेकार। ऐसा नहीं है, कोई अपना बियर्ड का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहा है। देखो वो तो मैं आप सबको बताता हूँ ना, वैसे भी रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि मतलब देखो अपने आप को ग्रूम्ड रखना चाहिए, ग्रूम्ड रखना चाहिए, देयर इज नो डाउट इन दैट। और इनकी जो ग्रूमिंग हुई है ना ट्रिप के लिए, बहुत अच्छी लग रही है। पुष्पा की ग्रूमिंग पता नहीं कब होगी। पुष्पा तुम कब अपना मोह धोगी भाई, है क्या बना रही तुम्हारा? अब तो तुम्हें ऑर्डर मिल गया होगा। अबे जाओ यार, अंडे की भुर्जी। तुम करेला बनाने वाली हो? एक पूरा करेला तुम खाना कच्चा, तब समझ में आएगा कि करेले का क्या फन है। आज अंडे की भुर्जी बन रही है और पराठे बन रहे हैं। वाओ ये अच्छा, ये अच्छा। अंडे की भुर्जी, पराठे और सूप। दैट्स गुड, इट्स गुड, आई कैन हैंडल दैट। अच्छा मुझे ये बताओ मितु, हमारे पैकिंग में क्या क्या पैकिंग है? जैसे मॉम का हमने एक बैग तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा लगा लिया ना। एक बैग लग गया, एक बैग अभी लगना है मम्मी का ना। तुम्हारा कुछ नहीं लगा है तो हमें तो शुरू कर लो यार, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी करनी है तैयारी, करनी है अभी शुरू। मेरा मतलब मेरे माइंड में है सारी चीज़ें, बट अभी मुझे थोड़ा सा एक दो चीज़ें मेरी ऑर्डर करी हुई हैं, वो मेरी आएंगी, फिर मैं थोड़ा सा उसको करूँगी। और उससे पहले मैं बाहर ही सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, जो बाहर से आना है, ऑर्डर करना है, जो ऑर्डर कर दिया है वैसे मैंने, मेरी मैक्सिमम चीज़ें सब हो चुकी हैं। अब मेरे को बस पिक करना है, लेना है, बस आनी है ऑर्डर वाली चीज़ें, फिर मैं अपनी पैकिंग शुरू करूँगी। मेरा टारगेट है, जैसे आज फर्स्ट है ना, तो सेकेंड तक मम्मी का कल पूरा हो जाएगा। आज मम्मी की 80% हो चुकी है, 20% तैयारी बस बची है मम्मी की, तो वो कल हम ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ हम बाहर की भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये देखो कोई छुप छुप के निकल रहा है, ये देखो कोई छुप के निकल रहा है, यही है मतलब। इनके दो बैग में से एक बैग लग चुका है, इसलिए छुप छुप के निकल रही है। कुछ नहीं थे, अरे एक मतलब एक बैग में से अपना मोटा मोटा एक बैग लग चुका है, एक बैग और लगना है। और मीतू का भी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मीतू का स्टार्ट होना है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम से कर लेंगे, क्योंकि जरूरी है ना ये, बिना इसके तो काम नहीं। मेरा टारगेट है कि मैं 6 तारीख तक अपना सारा खत्म कर दूंगी। 6 तारीख करने के बाद मेरा अपना पर्सनल कुछ जो चीजें मैंने सोची हुई हैं वो मेरे को करनी है। 6 तारीख के बाद भी अपना पर्सनल बचेगा, बचेगा भाई, बचेगा, इनका नहीं बचेगा तो हमारा बचेगा? हमारा नहीं बचेगा तो और किसका बचेगा? वी आर द ग्लैमर ऑफ आवर हाउस, तो फिर हमें भी तो रखना है अपना, कुछ अच्छा तैयारी करनी है। क्या बात है, बात तो बाल लश्कर मार रहे हैं, बाली नहीं है। देखा हमारे बाली नहीं, लेकिन आज मतलब आज कुछ बात है, आज कुछ नूर है, कुछ नहीं है, बस एक ट्रिमिंग है बस मम्मी के, क्योंकि बाल बहुत गंदे हो गए थे। नहीं कुछ स्ट्रेट भी हुए मुझे लगा। चाय परम पैदा कर रहे हैं तो अभी कहना, मतलब मोटा मोटा अभी घर पे जो माहौल है ना वो यही है कि सारा ना सब कुछ पैक होना चाहिए, ताकि लास्ट मिनट रश ना हो, फटाफट से करें और फिर चलेंगे यार। मतलब अब यही बचा और कुछ नहीं बचा भैया, यही होना है, सिर्फ ट्रैवल की तैयारी होनी और कोई तैयारी नहीं। आए पुष्पा बेटे मेरी चाय कहाँ रह गई है? नहीं तो और मतलब क्या क्या मेजर क्या कर लिया तुमने, क्या निपटा लिया आज? आज हमने छोटू कितना हो गया बेटा? 20 तेरे पास पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा मम्मी दोबारा करना झुकेगी।
अच्छा किया। क्या बता रहे थे? भैया जो आपका हाथ का जो लहराव निकली है ना ऐसे वाली, भाई बहुत सही निकालने में। हम लोगों ने तो आज देखो मम्मी का, अब क्या रह गया मम्मी, अभी आपका एक काम और रह गया है ना, पेपर वर्क वाला रह गया मम्मी का। कौन सा है वो? थोड़ा सा मम्मी का पेपर वर्क वाला काम है। बाकी मेडिसिन तो सारी होगी ना? मेडिसिन हो गई है, और एक मम्मी का अपना कुछ पर्सनल वर्क था जो मम्मी को लेके जाना था। ओके, तो वो मम्मी ने आज सारा रिकंसाइल कर लिया है। गुड। पुष्पा चाय जरा दूसरी बनाओ, बढ़िया दो कप। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा भाई, मेरा बुधवार है। मेरा बुधवार है मतलब समझ रही है पुष्पा? तू मेरा वेडनेसडे है, इन दोनों का तो मंडे ही चलता है। पुष्पा कितनी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि चाय बना दो, एक तो तुमने चाय गंदी बनाई। भैया गंदी चाय बनाने लगी पुष्पा? थोड़ा जल्दी कर लो काम। तो अभी अभी तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट ये है कि जो इसका माइक खराब हो गया उसको चेंज कराना है, उसके लिए हम लोग जाएंगे चांदनी चौक। दूसरा बड़ा नहीं, वैसे तीन चीजें मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बची है। तो अभी तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बची हैं। पहला ये कि इसका माइक हो गया ख़राब, ठीक है ना, उसकी TRS केबल ख़राब हो गई, तो माइक लेके आना पड़ेगा, उसके लिए जाएंगे चांदनी चौक। अब जब चांदनी चौक जाएंगे तो दो बैटरीज एक्स्ट्रा लेके आएंगे, ट्रिप पे जा रहे हैं तो बार बार चार्ज कौन करेगा। पांच बैटरीज हो जाएंगी, सफिशेंट इनफ। एक बैटरी की वैसे भी कुछ एनर्जी कम हो गई है, तो चार एटलीस्ट चाहिए अपन लोग का ना, बिना उसके काम चलेगा नहीं। और जब ट्रिप पे जा रहे हैं तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे मेमोरी कार्ड के अंदर। तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लेना डेफिनेटली बनता है, और वो मेमोरी कार्ड ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टोरेज करेंगे और अगर किसी दिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला ना, तो स्टोरेज वो फिर मतलब बीच में ना सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कहाँ स्टोरेज करें, नहीं करें, कैसे करें, ज़्यादा दिक्कत होगी। तो स्टोर करके रख देंगे, बाद में उसे एडिट करेंगे। तो अभी यही प्लान है। पैकिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, 25-30% पैकिंग हो चुकी है, और ये दो तीन सामान पेंडिंग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉगिंग। तो अभी यही इन्फॉर्मेशन है, 9 days आर लेफ्ट, उसके बाद जाएंगे, आप सबको लेके चलेंगे। इस ब्लॉग का रखते हैं यहीं तक। अगर आप मेरे चैनल पे आएगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करना इस वीडियो को इफ़ यू लाइक इट, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे कल। आई लव यू, टेक केयर, पीस।